हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फ्लू के बारे में बताऊंगी। मायसेल्फ, मैं डॉक्टर अर्चना वर्मा। ठीक है, जो फ्लू है उसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो वो एक वायरल डिजीज़ है और वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। वायरस जो है वो तीन तरीके का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। जो ए वाला होता है वो ह्यूमंस को, पिग्स को और बर्ड्स को ये इन्फेक्ट करने की क्षमता रख सकता है, और जो इन्फ्लुएंजा बी है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, और इन्फ्लुएंजा सी जो है वो पिग्स और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब ये फ्लू जो है वो अपने आप में हर 2-3 साल में एंटीजेनिक चेंजेस लाता है और एपिडेमिक्स फैलाता है, और छोटे मोटे एपिडेमिक्स फैला देता है इधर उधर कई देशों के कई भागों में। फिर ये 10 से 15 साल में अपने अंदर कुछ ऐसे एंटीजेनिक चेंजेस लाता है जिससे कि बहुत बड़ा एंडेमिक, और जिसे कहते हैं कि पेंडेमिक, जो वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है फ्लू के कैप्चर में। तो कभी कभी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू फैल गया या स्वाइन फ्लू फैल गया, तो ये वही फ्लू है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मरीज छींकता है या खांसता है या अपने अपने ऐसे इन्फेक्टेड वातावरण में ये वायरस जो है वो सस्पेंडेड रह जाता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, और टेबल्स पे, चेयर्स पे, दरवाजे के हैंडल पे, टैप के हैंडल पे, इन पे ये सेटल हो जाता है। और जब इन चीज़ों को छू के, टेबल को, चेयर को, इनको छू के जब हम अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन छूते हैं, आँख, नाक या मुंह, तो ये वायरस वहाँ से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तब हमारे अंदर जो है कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे कि बुखार आता है जिसके साथ सिर दर्द, आँखों में दर्द और पूरे बदन में थकान, इसके साथ लाल आंखें होना, कफ आना, स्नीजिंग आना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, और कभी कभी जीआईटी के सिम्टम्स जैसे कि डायरिया हो जाना है या वॉमिटिंग हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं मरीज में। अमूमन ये जो सिम्टम्स हैं वो हफ्ते भर में रिजॉल्व हो जाते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी किन लोगों में आता है, जो लोग 65+ हैं, जो फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी क्रोनिक डिजीज से फाइट कर रहे हैं, कोई क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकती है उन्हें, कोई लंग डिजीज़ हो सकती है, कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ऐसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट कोई ड्रग्स ले रहे हैं, स्टीरॉयडल थेरेपी पे चल रहे हैं, उन लोगों को ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है फ्लू। ठीक है, और इसको बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम बाहर से कहीं से आएँ तो हम अपने हाथ धोएं साबुन से, हाथों को रेगुलरली आए जाएं तो सैनिटाइज करते रहें, पब्लिक गैदरिंग में कम से कम जाएं। जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम आ जाएं, सर्दी, बुखार, खांसी, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना घूमें, गैदरिंग में ना जाएं, और थोड़े दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, थोड़े दिन अपने आप को अलग कर लें पब्लिक से, तो ये बीमारी जो है कंट्रोल की जा सकती है। ख़ासतौर से जिन बच्चों को अगर ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाए और उन्हें घर में ही उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन में अगर ये बीमारी लंबी खिंच गई तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो है निमोनिया सबसे पहले। तो निमोनिया वायरल भी होता है, और वायरल के बाद ये निमोनिया जो है बैक्टीरियल निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो एक्सरे से हम पता कर लेंगे। अच्छा, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये फ्लू है, तो इसके लिए हम स्वैब थ्रोट कल्चर टेस्ट होता है, जिसमें कि हमारे स्वैब में से म्यूकस निकाल के उसका कल्चर करा लेते हैं, और दूसरा होता है वायरस का पीसीआर टेस्ट कराना। तो इन दो टेस्टों से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्लू है। ठीक है, इसमें मरीज को जो है एडिक्वेट फ्लूड डाइट देते हैं, यानी कि अच्छा सेमी सॉलिड फूड देना है, और ORS इलेक्ट्रोल वगैरह देना है, और विटामिन सी से युक्त फल यानी कि ऐसी फल सब्जियां खिलानी है जिनमें विटामिन सी हो, जिससे कि रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाए। और होम्योपैथी मेडिसिन में अगर हम देखा जाए तो उसमें जैसे कि जेलसीमियम है, एलियम सीपा है, सेबेडेला है, र्यूमैक्स है, रस्टॉक्स है, इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन ये अच्छा होगा कि हम पर्सन को इंडिविजुलाइज करके रिपर्टराइजेशन करने के बाद मेडिसिन दें, तो ये बहुत अच्छा अपना इफेक्ट आए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आप किसी बीमारी या हेल्थ से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।